जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 45, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन वाई 45 में देर आर थ्री पार्टनर्स एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शंस ऑफ देयर कैपिटल। तो ये बेटा इनका प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, इनका कैपिटल है बेटा 1960/30, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बेटा 3:2:1 का। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट की बना है बेटा। अब इसके बाद लिखा है कि ऑन दिस डेट वाई रिटायर। ठीक है, और यहां पर वाई रिटायर हुआ है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करना है, 10% बढ़ाना है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 36,000 एंड एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशो 3:1, यानी आपको न्यू रेशो भी दे रखा है। ठीक है, रिटायर हुआ है वाई, राइट। तो अगर यहां पर देखें तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और ये न्यू रेशो भी है। ठीक है, तो हमें निकालना है यहां पर गेनिंग रेशो। तो पहले गेनिंग रेशो ही निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो होता है बेटा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3/4 माइनस 3/6 हो जाएगा बेटा 18 माइनस 12 अपॉन में 24, दैट इज 6/24। और आपका ये तो हो गया x का, z की बात करें तो 1/4 माइनस 1/6, तो यह 6 माइनस 4 अपॉन में 24, दैट इज 2/24। ठीक है आंसर। ठीक है, आपका इसको चेक करना है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा और इन दोनों का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, वाई के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो हो गया बेटा 6:2 का, दैट इज अगेन 3:1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ भी देखें तो ये पहले वाला ही केस है जिसमें हम जेम्सन मेथड यूज करते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो गुडविल है बेटा 36,000, तो वाई शेयर ऑफ गुडविल टोटल कैपिटल ऑफ फर्म न्यू फॉर्म दैट इज 1,20,000। ठीक है, इसमें बेटा एक्स का शेयर होगा 1,20,000 इंटू 3/4 दैट इज 90,000 और जेड का शेयर होगा 1,20,000 इंटू 1/4 That is 30,000। तो ये नई कैपिटल है बेटा। ठीक है, जो एक्स और जेड की होगी नई फॉर्म में। ठीक है, तो जितने भी वर्किंग नोट्स हमने बनाने थे उनने बना लिए। अब करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन कंप्लीट। तो बेटा सबसे पहले अपने को क्या करना है, एज यूजुअल जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट है उनको बैलेंस शीट में टिक कर लेना है। अब एडजस्टमेंट है बेटा डेटर्स के लिए, एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स के लिए, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चंस। तो सबसे पहले गिवन है बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स के सामने एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, लिखा है इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज ₹2,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नोट अराइज। कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में
तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितनी भी एडजस्टमेंट है बेटा उसको बैलेंस शीट में टिक कर लेंगे और उसके बाद अपनी जो बैलेंस शीट है वहीं से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट है बेटा वो दो चीजों के लिए एडजस्टमेंट है, एक है डेटर्स के लिए और दूसरी है सन्ड्री डेटर्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उनके सामने टिक करने के बाद। अब देखिए सबसे पहले दिया है सन्ड्री डेटर्स और एडजस्टमेंट है बेटा इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर्स रुपीज 2500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज। सन्ड्री डेटर्स में 2500 रुपए का, ठीक है, एक लीगल क्लेम इंक्लूड था बेटा बट अब वो अराइज नहीं हो रहा है, मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो गई बेटा, तो हमें बेनिफिट हुआ है। तो सबसे पहले इसको लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री क्रेडिट्स 2500 और बैलेंस शीट में भी इसकी वैल्यू कम करके लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिट्स। बुक्स में वैल्यू आपकी गिवन है बेटा 16,600 माइनस 2500, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 14,100, राइट। अब इसके बाद है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसको लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो सारे का सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बट उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं बेटा बाय बैलेंस बीडी। देखिए बाय बैलेंस बीडी है 90,000, 60,000 and 30,000, ठीक है। फिर बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000 है बेटा, 4,500 एक्स को मिलेगा, 3,000 वाई को मिलेगा और 1,500 जेड को मिलेगा, 3-1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर आता है बेटा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी 3-1 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा 3,000, 2,000 और 1,000, राइट। अब इसके बाद कैश, ठीक है, कैश को लेके कोई एक एडजस्टमेंट है बेटा, ठीक है, कि हमें जो वाई रिटायर हो रहा है उसको 9,000 पे करना है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। और जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो भी बेटा कैश के थ्रू होगी, तो इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। फिर बात करते हैं डेटर्स की, डेटर्स बैलेंस शीट में गिवन है बेटा 21,000, ठीक है, और इस पे लिखा है 10% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, यानी 2100, ठीक है। तो ये बच जाएगा बेटा 18,900, ठीक है। अब देखिए बुक्स में बना रखा है 1400, तो 700 का और हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं स्टॉक, स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसे कैसे लिख देना है, स्टॉक आपका 19,000, स्टॉक के बाद बेटा मशीनरी, मशीनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे कैसे आपको लिखना है 58,000। फिर आपका बिल्डिंग, और इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, ठीक है। तो देखिए हमने अपनी बैलेंस शीट फिनिश कर दी, बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट हमने ट्रांसफर कर दिए, अब रह गया था कैश, तो हम कैश का बैलेंस भी यहाँ लिख लेते हैं। कैश है हमारे पास 15,000, राइट। अब यहां पर सारी चीजें हो गई हमारी बैलेंस शीट की, अब चलते हैं एडजस्टमेंट पर। जो पहली एडजस्टमेंट है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 10% ऑफ डेटर्स, वो हमने कर लिया है 21,000 का 10%, 2100 माइनस किया है और आपका 700 और आपको क्रिएट करना पड़ा, तो इसलिए हमने रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखा दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 36,000 एंड बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड इन द रेशियो 3:1, ठीक है। इसका हमने वर्किंग नोट पहले ही बना लिया था, तो यहाँ पे हमें केवल एंट्री पास करनी है। हम लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है,
बाय जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 36,000 का 12,000 मिलेगा और 31 की रेशो जो गेनिंग रेशो था उसमें एक्स और जेड वाई को देंगे, तो बेटा यहां पर 9,000 एक्स देगा और 3,000 जेड देगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा वाई के नाम से एक्स और जेड के अकाउंट को, हम लिखेंगे वाई कैपिटल अकाउंट और एक्स का अकाउंट डेबिट होगा बेटा 9,000 से, जेड का अकाउंट डेबिट होगा बेटा 3,000 से, राइट। तो यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर दिया है, इंक्लूडिंग इन सैलरी क्रेडिटर्स वो भी हम लोगों ने कर दिया है। अब इसके बाद लिखा है बेटा एक्स एंड जेड आल्सो डिसाइड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1,20,000 जो कि नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, तो हमने बैलेंस सीडी भी निकाल लिया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस सीडी, ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ देना चाहिए। नई फर्म में जो जाएगा इन पार्टनर्स का होगा 90,000 एक्स का और जेड का होगा बेटा 30,000, राइट। तो सारी चीजें हो गई, Y को 9,000 पे क्या वो पहले Y का अकाउंट बनाएंगे, बट उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, X Y Z टोटल प्रॉफिट है बेटा 1,800, ठीक है, क्यों 25 था 700 ही हो गया, तो 1,800 तो 2,500, अब इसको यहां पे बंद कर देंगे 2,500 से, ठीक है। अब 1,800 को 3,21 की रेशो में आप डिवाइड करेंगे तो 900 एक्स को, 600 वाई को, 300 जेड को मिलेगा, ठीक है। और इसको हम लेके आएंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से, 900 600 यहां पे 300, ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई का अकाउंट तैयार करेंगे, वाई लोन अकाउंट निकालेंगे कितना बनता है, तो देखिए 60,000 363 65 और 12, 65 और 12 आपका हो गया 77,600 टोटल, राइट। अब यहां पर देखिए लिखा है कि Y को हमने पे किया है 9,000, हमने पे किया है 9,000, तो यहां पे ये बैलेंस सीडी से पहले हम Y का अकाउंट बना लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है, पहले वाई का लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट, वाई को पे कर देंगे 9,000 और यहां से भी कैश में से माइनस करेंगे, लेस पे टू वाई, टू वाई दैट इज 9,000, ठीक है, यहां बैलेंस बचेगा 6,000, ठीक है। अब यहां पर वाई का लोन क्रिएट कर लेते हैं, टू वाई लोन अकाउंट 77 था, 9 आपने पे कर दिया तो ये हो जाएगा बेटा 68,600, ठीक है। तो इसको यहाँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाते हैं, वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट दैट इज 68,600, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस शीट, नाइन्टी थाउजेंड एक्स का और 30,000 जेड का, इतना बैलेंस नई फर्म में जाएगा, अब इसके इक्वल हमें बनाना है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें, अरे इसको बंद कर दें, 77,600 गया। अब यहां पे देखिए एक्स का जो अपना डेबिट साइड जा रहा है, ठीक है ना, डेबिट साइड जा रहा है, ये है 99,000, ठीक है, और ये है बेटा होना चाहिए 99,000, तो इसको
कैश लेके आना पड़ेगा। कितना बेटा 90, 97, ठीक है, और ये 98,400, तो ये कैश लेके आएगा बेटा 600, ठीक है। और इस कैश को हम यहां ऐड कर देंगे, ऐड एक्स कैपिटल 600, ये हो गया 6,600, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जेड की कैपिटल की, और जेड का कैपिटल देख लेते हैं। जेड का कैपिटल का बैलेंस यहां पे आ रखा है 33,000, और यहां पर है बेटा आपका 32,800, ये भी लेके आएगा 33,000, और यहाँ पे आपका इसका 32,800, तो हमें बनाना है 33,000, तो इसका मतलब ये 200 रुपीज और देखे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड जेड्स कैपिटल अकाउंट 200, 6,800, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे तो अपना जो असेट साइड है वो तो हो जाएगा 10, ठीक है, ये मैच हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये नया बैलेंस सीडी है, ठीक है, नया बैलेंस है इसका कैपिटल का एक्स और जेड का, वो भी हमें लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड, दैट इज 90,000 और 30,000, ठीक है, तो ये 1,20,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपकी बैलेंस साइड, आपकी जो बैलेंस शीट है, ठीक है, वो दोनों साइड मैच हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, और इस क्वेश्चन के करने के बाद जो हमारा ये पहला मेथड था वह टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, उसके हमने दो क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन रह गया बेटा, वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।